हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला की वार्षिक परीक्षाएं 6 मार्च से आरंभ होने जा रही हैं। इस बार बोर्ड के द्वारा स्थापित किए गए 1980 परीक्षा केंद्रों में 2,35,683 छात्र छात्राएं परीक्षाएं देंगे। बोर्ड की वार्षिक परीक्षाएं 6 मार्च से लेकर 29 मार्च तक आयोजित की जाएंगी। इसमें 10वीं व जमा 2 के नियमित छात्रों के अलावा SOS 8वीं 10वीं और जमा 2 के छात्र भी शामिल होंगे। परीक्षा केंद्रों में CCTV के लगातार 3 घंटे तक IP/IT टीचर और कंप्यूटर के एक्सपर्ट को कड़ी निगरानी रखनी होगी। इसके अलावा 3 स्तरीय फ्लाइंग सिस्टम भी सक्रिय रहेगा, जिसमें एक बोर्ड के अधिकारियों का अरुणदस्ता रहेगा, जबकि दूसरे में शिक्षा विभाग के उपनिदेशक द्वारा गठित की गई परीक्षा केंद्रों की टीम रहेगी। हर जिला के उपमंडल अधिकारी की अध्यक्षता में भी उड़नदस्ते का गठन होगा, जो परीक्षा के सफल संचालन में अपनी पूरी नजर रखेगा। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के इतिहास में पहली बार 45 परीक्षा केंद्र ऐसे बनाए गए हैं जो कि पूरी तरह से महिला शिक्षकों द्वारा ही संचालित किए जाएंगे। बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि बोर्ड परीक्षाओं को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और सभी परीक्षा केंद्रों में प्रश्न पत्रों सहित अन्य सामग्री पहुंचा दी गई है। इस वर्ष बोर्ड की परीक्षाएं 6 मार्च से प्रारंभ होकर 29 मार्च तक समाप्त हो जाएंगी और शेड्यूल के अनुसार परीक्षाएं हो सारी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। 1980 ऐसे परीक्षा केंद्र चिन्हित किए गए हैं। इन 1980 परीक्षा केंद्र में पहली बार बोर्ड के इतिहास में महिला परीक्षा केंद्र चिन्हित किए गए हैं, जिनका नाम सावित्री बाई फुले परीक्षा केंद्र रखा गया है, जिसमें कि महिला शिक्षक ही सुपरिंटेंडेंट और डिप्टी सुपरिंटेंडेंट रहेंगी। वर्तमान में ये फ्लाइंग का स्ट्रक्चर भी पूरी तरह से पॉलिसी लेवल पर इसमें बदलाव कर लिए गए हैं। 3 स्तरीय फ्लाइंग सिस्टम रहेगा, जिसमें कि एडमिनिस्ट्रेशन की भी सहभागिता रहेगी, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का भी रहेगा और बोर्ड का भी रहेगा। और साथ ही साथ वर्तमान में ये व्यवस्था कर दी गई है कि जो परीक्षा केंद्र है उसका हेड प्रिंसिपल या हेडमास्टर अपने परीक्षा केंद्र को नहीं छोड़ेगा, वो व्यवस्था संभालेंगे। और एक और व्यवस्था कर दी गई है कि जो CCTV कैमरे हैं वो इन ऑर्डर रहें, वो सुचारू रूप से काम करते रहें, इसलिए IP या IT या कंप्यूटर नोइंग टीचर 3 घंटे वहां पर तैनात रहेगा जब जब परीक्षा होगी, इस प्रकार की व्यवस्था की कर दी गई है। और यदि देखें कि कितने छात्रों की संख्या जो रेगुलर बेसिस पे जो छात्र अपीयर हो रहे हैं उसमें 58,168 दसवीं में छात्र हैं, 53,808 कुल संख्या 1,11,976 है। जमा 2 में 49,534 छात्र हैं, 45,969 कुल मिलाकर 95,503 ऐसे छात्र छात्राएं जमा 2 में परीक्षा दे रहे हैं। SOS के एग्जाम भी हो रहे हैं, जिसमें 8वीं 10वीं और जमा 2 के जो कुल छात्र छात्राओं की संख्या है वो क्रमशः 326, 10,402 और 17,476 है। इस प्रकार की व्यवस्था और जो परीक्षा से संबंधित सामग्री यानी आंसर शीट्स और साथ में क्वेश्चन पेपर जो भेजने थे वो सारे परीक्षा केंद्रों में पहुंच गए हैं। ऐसे कुछ क्षेत्र थे जहां बर्फबारी ज्यादा हो रही थी, वो हवाई मार्ग से उन सारी की सारी सामग्री को भेज दिया गया है और सारे परीक्षा केंद्र में सामग्री पहुंच गई है। सर, इस बार बर्फबारी अधिक हुई है तो कुछ ऐसे क्षेत्र भी है जहां पर परीक्षा संचालित करने में दिक्कत आ रही है बोर्ड को? अब वर्तमान में ऐसा कोई मामला संज्ञान में नहीं है, क्योंकि सारी सामग्री पहुंच गई है। जो ड्यूटी सुपरिंटेंडेंट और डिप्टी सुपरिंटेंडेंट की लगनी है वो सारी लग गई है, बाकी एसोसिएटेड स्टाफ भी काम कर रहा है। ऐसा कोई मामला ध्यान में आएगा तो आगे देखेंगे, लेकिन सुचारू रूप से परीक्षाएं हो जाएंगी मार्च 6 से लेकर 29 तक, ऐसा हमारा मानना है।